संसद की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। एक तरफ सत्ता पक्ष की राहुल गांधी से माफी की मांग और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 5वां दिन है, यानी पहले हफ्ते का आखिरी दिन। और हर दिन सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही थोड़ी देर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो जा रही है और फिर दोपहर 2 बजे शुरू होने के बाद दिन भर के लिए वो स्थगित हो जा रही है। तो दो मसले जिनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस अडानी के मसले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और इन दोनों के बीच में सदन की कार्यवाही जो है वो हर रोज स्थगित हो जा रही है। 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, थोड़ी देर बाद स्थगित हो जाती है, इसके बाद फिर 2 बजे शुरू होती है, फिर कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो जाती है और अभी के 5 दिनों से लगातार ऐसा ही हो रहा है। तो अब आपको 5 दिन की तस्वीर हम दिखाने वाले हैं, कैसे 5 दिन अलग अलग हंगामा हुआ। 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च और अब आज। हर दिन हंगामा होता है और हंगामे का असर यह होता है कि कार्रवाई जो है वो स्थगित हो जाती है। सरकार की तरफ से हर दिन एक केंद्रीय मंत्री ने मोर्चा संभाला जिसने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की और विपक्ष के नेताओं ने भी अपने तरीके से खेमेबंदी की, लामबंदी की, सरकार की घेरने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच में हर रोज संसद की कार्रवाई स्थगित होती है। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, दिन बदल गया लेकिन तस्वीर जो है वो नहीं बदली और आज भी वही कहानी, 11 बजे कार्रवाई शुरू, थोड़ी देर बाद स्थगित दोपहर 2 बजे तक के लिए। और अब खबर है कल तक के लिए स्थगित हो गई है। देखिए आज तो ये भी खबर आई कि कल तक के लिए स्थगित है दोनों। शुभांकर, जो जानकारी यह है कि दोनों सदनों को 20 मार्च तक के लिए स्थगित, सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वजह यही कि दोनों जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हुआ और उनका ये कहना है बीजेपी की तरफ से कि राहुल गांधी को सदन के अंदर माफी मांगनी चाहिए। आज राहुल गांधी पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 से जब पार्लियामेंट के अंदर वो जा रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे भी, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के माफी नहीं मांगी गई। और बीजेपी के जो सांसद थे वो वेल में उसी दौरान उतर आए और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे सदन में इसी तरीके से हंगामा चलता रहेगा। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो सब संयुक्त रूप से एक जगह जुटी हुई है और अभी भी संसद परिसर में जो गांधी मूर्ति है वहां पर उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अडानी मामले पर सरकार को जेपीसी का गठन करना पड़ेगा, जब तक ये कदम सरकार की तरफ से नहीं उठता है तब तक वो लोग इसी तरीके से हंगामा करेंगे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने है शुभंकर, और देखना यह है कि आगे आने वाले समय में ये सदन चल पाता है या नहीं चल पाता है, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी पूरा अपना मोर्चा खोल रखी है, उसमें उनके साथ विपक्षी पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं और उनका ये कहना है कि सरकार को कदम बढ़ाना पड़ेगा अडानी मुद्दे को लेकर के। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर जेपीसी का गठन जब तक नहीं किया जाएगा तब तक वो लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो वहीं सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से राहुल गांधी के ऊपर हमलावर है और ये कहना है कि राहुल गांधी को सदन के अंदर आकर के माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सारा हंगामे के बीच में बड़ा सवाल ये कि इस पूरे हफ्ते की कार्रवाई का क्या हुआ, क्योंकि सोमवार तक के लिए सदन जो है स्थगित कर दिया गया, जनता का पैसा लगा हुआ है, जिन नेताओं को कामकाज की जिम्मेदारी दी गई है वो शोर मचाकर अपनी अपनी सियासत होकर के यहां पर हंगामा खड़ा कर दे जिसके चलते स्थगित हो जा रही है। लेकिन पीछे वजह क्या है, दो वजह, एक कांग्रेस की मांग और दूसरी बीजेपी की मांग। दरअसल राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमलावर है, राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। पिछले 4 दिन से जहां सरकार के मंत्री मीडिया के बीच आ रहे थे तो आज जेपी नड्डा ने खुद मोर्चा संभाला और राहुल गांधी से माफी की मांग की। हालांकि कांग्रेस ने कहा है माफी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका
को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं? राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है, ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहां पर बताएंगे। तो इसीलिए वो डर रहे हैं, क्यों मौका नहीं दे रहे? तो हर एमपी को ये आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और हमको एक पार्लियामेंट मेंबर को भी फ्रीडम है, तो आप हाउस में बोलने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? तो इसका मतलब ये है कि आप डर रहे हो और हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो देश के मुद्दे हैं।